म्यांमार की सत्ताधारी सेना ने बौद्ध साधु असीन विराथु को जेल से रिहा कर दिया है, जो दुनिया भर में अपने मुस्लिम विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। कुछ सालों पहले रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचार की खबरों ने जहां जमकर सुर्खियां बटोरी, वहीं इसी के साथ ही एक नाम की पूरी दुनिया में आवाज सुनाई दी, असीन विराथु, जिन्हें कोई मुसलमानों का दुश्मन कहता है तो कोई म्यांमार का बिन लादेन। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के इशारे पर 2012 में रखाइन में हिंसा भड़की थी, इसी के चलते उन्हें बर्मा के बिन लादेन भी कहा जाता है। इन्हें रोहिंग्या मुसलमानों का धुर विरोधी माना जाता है। देश में कहीं उनकी रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन हुए तो कहीं लोगों ने उनके पुतलों में आग लगा दी। आपको बता दें कि म्यांमार में 1968 में जन्मे असीन विराथु 14 साल की उम्र में बौद्ध भिक्षु बन गए। इसके बाद विराथु 2001 में राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी गुट के साथ जुड़ गए, जिसके चलते उनका नाम दुनिया के सामने आया। विराथु पर हमेशा मुस्लिम विरोधी होने और उनके खिलाफ भाषण देने के आरोप लगते रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में भी कई बार उनका नाम सामने आया और साल 2013 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें बौद्ध आतंक का चेहरा बताया था, जिससे वे काफी नाराज भी हुए थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर मानव अधिकार हनन के आरोप भी लगाए। बीते साल अब्दस्त नेता आंग सान सू की के नेतृत्व वाली सरकार ने घृणा फैलाने के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया था। हालांकि आंग सान की सरकार को इस साल फरवरी महीने में सेना ने हटा दिया और देश की कमान अपने हाथों में ले ली। सैन्य सरकार ने अब विराथु को जेल से रिहा कर दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि नागरिक अदालत के बजाय सेना ने बयान जारी कर खुद बताया कि विराथु को हिरासत से रिहा किया जा रहा है। म्यांमार सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल ला जिन टुन ने कहा, केस बनकर आज शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। इस फैसले की दुनिया भर में जमकर आलोचना हो रही है। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।